किसी ने भी मदद नहीं करी, उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य, यही हम आपकी व्यवस्था है। जब किसी कष्ट में पड़ जाए ना, कोई रोग हो जाए शरीर में, फिर कोई साथ नहीं देता। बालक भी कहते हैं, अरे क्या इतना इलाज कराया आपका, आप ठीक नहीं होते, इसमें मैं क्या करूं, इतना पैसा खर्च कर दिया आपने। पत्नी भी परेशान हो जाती है, अब मैं क्या करूं, इतनी सेवा करती हूं। लेकिन जब कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है, और उसकी तो लीला भी बड़ी निराली है। क्या जब वो याद करे उसको, दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे उसको, वो दुसरा हो जाए, जो भगवान को याद करता है। अच्छा, कभी आप लोग इस चीज का प्रैक्टिकल करना, इस चीज का प्रैक्टिकल करना, जब आप कष्ट में हो और भगवान का नाम लेना, तो एक सहारा मिल जाता है कि परमात्मा तो है मेरे साथ। जो याद करे उसको दुख हल्का हो जाए, और जो प्रेम करे उसको वो उसका हो जाए, जो प्रेम करे उसको उसका हो जाए। वो बिन जानी पहचानी दिल की जान जाता है। किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए ना, धन, वो अमीर हो जाए थोड़ा सा, में फिर वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। हाँ, तुम जैसे तो बहुत तेज में, तुम जैसे तो लाभ मेरे पीछे है, लेकिन वो परमात्मा इतना बड़ा हो करके, वो इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर दीनों से प्यार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। वो ये नहीं देखता कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पंडित जी है, ये कौन है, ये ठाकुर का, उसके लिए सभी समान है, सभी उसकी संतान है। कोई ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। और एक खासियत क्या, वो हम भक्तों का कहना, वो हम भक्तों का कहना, वो हम दासों का कहना, वो हम दासों का कहना, दीवान जाता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।